तो एंगुलर डिस्पर्शन में क्या बताया गया है कि व्हाइट लाइट है, सात रंगों में लाइट लाइट व्हाइट लाइट स्प्लिट होगी, तो इसके अंदर जो रेड है उसकी डिविजन कम है और वॉयलेट की ज़्यादा है, और येलो की ये मीन कलर बोला जाता है कि येलो इज़ अ मीन कलर, बीच का कलर येलो है। तो एक्चुअल में लाइट को ऐसे जाना था, तो वॉयलेट कलर की डेविएशन का एंगल क्या है, डेल्टा वी, रेड कलर की लाइट का डेविएशन का एंगल क्या है, डेल्टा आर, और जो मीन कलर है ये वाला इसके लिए एंगल क्या है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा। तो अगर मैं मैक्सिमम एंगल पूछूं तो वॉयलेट का आएगा, मिनिमम डेविएशन पूछूं एंगल की तो रेड आएगा, और अगर मैं इनका डिफरेंस पूछूं, डिफरेंस इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। नोट करो इसे, एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, वॉयलेट और रेड के डिफरेंस ऑफ डेविएशन के एंगल को एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक हो गया यहां तक, तो एंगुलर डिस्पर्शन हो गया। अब थिन प्रिज्म के लिए मुझे मालूम है, थिन हो या कोई भी प्रिज्म, डेल्टा इज म्यू माइनस वन इन टू ए हमने रिजल्ट किया। वॉयलेट के लिए इसको वॉयलेट पुट करेंगे तो डेविएशन अलग आएगी, रेड पुट करेंगे तो डेविएशन अलग आएगी, और अगर मैं इन रिजल्ट्स को उठा के यहाँ पुट करूंगा और माइनस करूंगा इन्हें, तो वन से वन कैंसिल, मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। तो लिख लो एंगुलर डिस्पर्शन का दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये रहा डेल्टा की फॉर्म में, और दूसरा फॉर्मूला ये रहा म्यू की फॉर्म में, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इन टू ए। तो दो फॉर्मूले आ गए एंगुलर डिस्पर्शन के। ठीक है यहां तक, तो एंगुलर डिस्पर्शन हो गया। नेक्स्ट है इसमें डिस्पर्सिव पावर।